तो जैसे ही उसको पकड़ने गया तो भाग रहा था, लेकिन अभी हम इसको पकड़ लिए हैं। देखो, सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी मेरे पास बहुत कम टाइम है, अभी हमको बहुत सारा काम करना है, कपड़ा भी साफ करना है, जूता भी साफ करना है, और नहाना भी है, और उसके बाद एग्जाम भी देने जाना है, और बहुत कम टाइम है, रिविजन भी करना है। तो हाँ, अभी फिलहाल के लिए जूता साफ करने चलते हैं। तो गाइज, एक मेरे लिए सैड खबर है, बट इनके लिए खुशी वाला खबर है, क्योंकि ये अपने घर जा रहा है, और सैड खबर मेरे लिए ये है कि यहाँ से ये छोड़ के जा रहा है। तो ये इनका रात का ट्रेन है, लेकिन अभी अपने दोस्त के घर जा रहे हैं, लेकिन अभी ये छोड़ रहे हैं हॉस्टल रूम। बाय बाय भैया। तो गाइज, हम नहा वहाँ के रेडी हो चुके हैं, और ये देखो इतना सारा हम कपड़ा साफ किए हैं, देख रहे हो ना। हाँ, अगर जब हम इतना जल्दी जल्दी कर ही रहे हैं, तो मेरे पास अभी भी कम टाइम है, लेकिन हम इसको भी फटाफट सही कर लेते हैं। ये देख रहे हो कितना ज़्यादा गंदा हो रखा है, तो हाँ फटाफट सब कुछ सही कर लेते हैं। तो गाइस, हम रेडी हो चुके हैं, मम्मी पापा को प्रणाम, और हाँ अब चलते हैं एग्जाम देने के लिए। तो अभी जस्ट एग्जाम खत्म हो चुका है, लेकिन ये देखो अभी भी ठंडी है, मतलब अभी भी ठंडी गया नहीं है, जबकि 1 बज रहा है अभी। पता नहीं क्या कैसा है यहाँ का मौसम, अभी तक हम समझ ही नहीं पाए। खैर, अब चलते हैं अपने हॉस्टल रूम को। तो हम फाइनली अपने हॉस्टल रूम पे पहुँच चुके हैं। मेरा रात का मेस छूट गया है, क्योंकि हम सो गए थे। अभी बहुत तेज़ भूख लग रहा है हमको, सुबह में अभी हम खाना खा नहीं पाएंगे, तो इसलिए अभी खाना ज़रूरी है हमको। तो हाँ, अभी चलते हैं हम बाहर कुछ खाने के लिए। तो हाँ चलो फिर। तो गाइज, आप लोग विश्वास नहीं करोगे, बहुत ज़्यादा ठंडी है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ही ठंडी है। अभी तो आपको मेरे मुंह से दिख भी रहा होगा फॉग। ये देख रहे हो, देखो एक भी बच्चा नहीं है, और ये ग्राउंड पूरा गीला हो गया है, क्या ही बताए कितना ठंडी है। चलो कोई नहीं, अभी जाते हैं फैक्ट्री में, फूड फैक्ट्री उसका नाम है, जहाँ पे खाना मिलता है, मतलब रेस्टोरेंट ही है, लेकिन उसका नाम है फूड फैक्ट्री। तो चलो चलते हैं कुछ खा लेते हैं। तो ये वाला हम लोग ऑर्डर करने जा रहे हैं गाइस, देखो ये नॉन स्पाइसी हमको अच्छा लगता है ना, तो ये वाला ऑर्डर कर देते हैं। हेलो अंकल, कह रहे थे ना कि एक चिकन चिली चाहिए, नॉन स्पाइसी बड़ा वाला, 240 वाला। तो ऑर्डर दे दिए हैं गाइज। मेरा इतना गंदा आदत है कि हम पता नहीं 10 उंगली से खाते हैं, इसके रिलेटेड हम पापा से बहुत बार डांट भी सुन चुके हैं, लेकिन अभी ठंडी काफ़ी ज़्यादा पड़ रहा है, अभी हम खा के बस कुछ देर में उठ जाएंगे। तो गाइज, खाना खा लिया है, अब यहाँ से चलते हैं। देख रहे हो गाइज, अब और ठंडा बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते ही जाएगा, कितना ज़्यादा फॉग होते ही जा रहा है। देखना, सुबह तक एकदम ढक जाएगा, कुछ दिखेगा ही नहीं सुबह तक। भाई, इन लोग को खाना दिया जाता है, लेकिन ये लोग खाते ही नहीं है, पता नहीं क्या सीन है। देख रहे हो, मतलब रोटी में अगर कुछ लगा के भी दिया जाए, तो भी ये लोग नहीं खाते हैं। तो हम अपने हॉस्टल रूम पे आ चुके हैं। तो अभी करीब 11 बज रहा है रात का। ये देखो, अभी ये इधर दौड़ रहा था, इसको हम पकड़ लिए, ये बेचारा, लेकिन ये आवाज़ निकाला था रोने रोने जैसा। तो जैसे ही उसको पकड़ने गया तो भाग रहा था, लेकिन अभी हम इसको पकड़ लिए हैं। देखो, हे बडी, हाय बोल दो। सबको यहाँ पे इसको ऐसे ही घूर ही रहे हैं। तो अभी लेकिन बिस्कुट रखे हैं पैकेट में, इसको खिला देते हैं हम। ये इसलिए बिस्कुट नहीं खा रहा ना, क्योंकि ये इसको डरा दिए, और अभी ये इसको बिस्कुट भी खिला रहे हैं, ताकि इसका डर भाग जाए। खा लो खा लो। तो गाइस, खा रहा है वो, देखो देखो वो खा रहा है, लेकिन इनसे नहीं खा रहा है, ये परेशान है, लेकिन देखो खा रहा है, चुप रहना है, देखो देखो खा रहा है वो। तो अब काफ़ी ज़्यादा रात हो चुका है, और अब ये पढ़ने का भी टाइम है। देखो, सारा कुछ हम ये स्टिकर चिपका लिए, जो जो हमको ज़रूरत है रिवीजन का। तो हाँ, अब इस ब्लॉग को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।